दिल्ली में सीएम आवास को लेकर विवाद एक बार फिर गहराया। सुबह से घमासान मचा हुआ है कि आखिर क्या है ये रहस्य, इस शीश महल का रहस्य क्या है जिससे आम आदमी पार्टी का मोह भंग नहीं हो रहा है, छूट नहीं रहा है और बीजेपी उस पे आरोप लगाए जा रहे हैं। आइए समझते हैं क्या है इस महल की कहानी। दरअसल दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि वो सीएम पद से इस्तीफा देंगे, उसके बाद उस सीएम आवास को भी खाली कर देंगे। ये वही सीएम आवास है जिसको लेकर के पहले भी कई बार अटकलें लगाई गई थी, कई बार ये कहा गया है कि बीजेपी के द्वारा या विपक्ष के द्वारा ये कहा गया है कि इस सीएम आवास में ऐसे क्या रहस्य है, या फिर उनके सबसे बड़ा पॉइंट ये आया था कि 45 करोड़ रुपए का, 1 लाख 1 करोड़ रुपए कर्टन समथिंग का, ये बहुत सारे मुद्दे निकल के आए थे कि सीएम आवास में ऐसी फैसिलिटी लगाई गई थी। क्योंकि सीएम जब सीएम बने थे, जब अरविंद केजरीवाल सीएम बनने के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे, करप्शन को मतलब आंदोलन कर रहे थे, करप्शन के विपरीत आंदोलन कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि ना तो वो बंगला लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, ना सिक्योरिटी लेंगे, एक आम आदमी बनकर सेवा करेंगे। उसके बाद उनका ये महल बना जिसको लेकर के बहुत सारी राजनीति हुई। बट अब सीएम ने, अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद 15 सितंबर को उन्होंने ऐलान किया था, 17 सितंबर को उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद 4 अक्टूबर को ये बंगला खाली कर दिया। बंगला जब खाली किया तो उसकी तस्वीर आप लोगों ने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने चाबी एक पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को सौंपती हुई नजर आई थी। लेकिन जब चाबी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को सौंप दी गई तो 6 अक्टूबर को जो इस समय दिल्ली की मौजूदा सीएम है आतिशी, वो कैसे उस घर पे प्रवेश करती हैं और कैसे उस घर पे रहने के लिए चली जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा, जब सीएम आतिशी को पहले ही एक सरकारी आवास सीएम आवास के नाम पर आवंटित कर दिया गया था जिसमें वो रह रही थी, तो उसके बाद यहाँ पे आने की क्या कुछ क्या मतलब वजह थी, वो इस सीएम आवास में क्यों आई। इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो शीश महल का प्रेम है, यह कोई रहस्य है जो जिसके लिए आम आदमी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने बताया था कि वो चाबी उन्हें कैमरे के सामने तो दी गई थी, लेकिन उसे तुरंत वापस ले ली गई थी और फिर वो चाबी आतिशी को दे दी गई थी। सीएम आतिशी वहां पे मौजूद चली गई और अपना रहने लगी। मतलब 4 अक्टूबर को खाली हुआ था, 6 अक्टूबर को सीएम आतिशी 6 अक्टूबर को पहुंची थी रहने के लिए और आज मतलब 9 अक्टूबर को वो और पीडब्ल्यूडी ने वहां पे जाकर के ताला लगा दिया और उनका सामान पैक करके बाहर कर दिया। क्योंकि ये जो पूरी क्रोनोलॉजी है, ये होता ये है कि जब भी कोई सीएम अपना इस्तीफा सौंपता है या घर खाली करता है तो उसकी चाबी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को दी जाती है, वो उसमें चेकअप करते हैं, अपना पूरा काम करते हैं, जो भी उनका क्राइटेरिया वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वो किसी को आवंटित करते हैं या किसी को चाबी देते हैं। ये तो वो वाली बात हो गई कि मैं अपना घर खाली कर रहा हूँ, अपने घर की चाबी किसी और को दे दूं, क्या के रहने लग जाओ। लेकिन ये घर अरविंद केजरीवाल का पर्सनल नहीं था, ये सरकारी आवास है, इसकी चाबी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को दी जाती है। वो बताते हैं कि इसमें ये किसे, और फिर उसके बाद वो आवंटित करते हैं कि ये मकान किसको मिलेगा, इसमें कौन रहेगा कौन नहीं। आम आदमी पार्टी इसका पूरा आरोप लगा रही है कि ये एलजी जो कि यहाँ पे उपराज्यपाल है उनके इशारे पर ये काम हो रहा है, ये बीजेपी के किसी नेता को आवंटित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उनका ये आवंटित किसी को भी की जाए, बीजेपी के नेता की जाए या फिर किसी मंत्री की जाए, ये उनका मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये मुद्दा है जो आवंटित करने को जो उसका जो विभाग का अध्यक्ष है वो बताएगा कि कौन उस पर रहेगा कौन नहीं रहेगा। लेकिन उनका ये प्रेम है, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं का या आम आदमी पार्टी के पूर्व सीएम का ये प्रेम है, मुझे लगता है, जिससे कि वो उस मकान को छोड़ना ही नहीं चाहते। और छोड़े भी क्यों, जब सरकारी आवास में इतना अच्छा खासा इंतजाम किया गया हो, इतना अच्छा खासा वहां पे व्यवस्था की गई हो, तो उस मकान को कैसे कोई छोड़ सकता है। और फिर सीएम ने तो कहा भी है जनता की अदालत में कि वो दोबारा सीएम बनेंगे, जब वो बना देंगे तो फिर से वो उसमें जाना चाहेंगे। शायद इसी वजह से सीएम ने ये अपना आवास खाली करना नहीं चाहता। और इसी पे आज पीडब्ल्यूडी ने वो उनका सामान निकाल दिया सीएम आतिशी का और वो वहां से चली गई। आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि वो सामान के साथ ही अपना कुछ काम भी कर रही थी। और मतलब आज 2 दिन का सीएम आतिशी का घर हुआ वो, और उसके बाद फिर वो अपने जहां पर घर मिला हुआ था वहां पे फिर से पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद।